नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष राय, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कल 8 तारीख को घटना हुई इसराइल में अल अस्का मॉस्क पे फोर्सेस ने अटैक किया, ये टर्म यूज़ किया जा रहा है और इसी को ट्रेंड भी कराया जा रहा है। तो हम पहले बेसिक ऊपर खबर पहले बता देते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे क्यों हुआ, कुछ चीज़ें पहले हुई, पैलेस्टिनियंस ने क्या किया था, फोर्सेस क्यों मजबूर हुई ये करने के लिए, यूएन का क्या कहना है, यूएन ने भी दखल दिया तो उसका क्या कहना है, और पूरी दुनिया के मुसलमान और भारत के कुछ जाहिल लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ट्विटर पर और क्या क्या ट्रेंड कराया जा रहा है। मैंने भी ट्विटर पर कुछ चीज़ें लिखी हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, इसको पूरा अंत तक देखिएगा। अभी तक किसी ने मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अभी कुछ समय में मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव जाने वाला हूँ और लोगों को साथ में लेके हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर किसी को बहुत इंटरेस्टेड, लोग बहुत बार बार कह रहे हैं कि मिलो, बात करो, लाइव आओ, डिबेट करो वगैरह वगैरह, तो वहाँ मैं समय समय पर आऊँगा, वहाँ जो भी सवाल जवाब जो भी करना है हम लोग एक सॉफ्ट डिबेट कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, और अपना कमेंट जरूर करिएगा कि अल अस्का मॉस्क पे जो भी अटैक हुआ है उसके ऊपर आपका क्या स्टेक है। लेकिन मुझे पूरा सुनने के बाद, और आज तो मैं रेफरेंस भी एक ऐसी ही वेबसाइट का दे रहा हूँ जो पसंद भी उधर के ही लोगों को है, मतलब लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, माओविस्ट, कम्युनिस्ट, जिहादी, जितने भी लोग हैं उन्हीं की फेवरेट वेबसाइट है BBC। तो खैर, खबर क्या है? अल अस्का मॉस्क पे हमला हुआ, दर्जनों लोग घायल हुए। लगभग BBC का ही कहना है कि एटलीस्ट 163 पैलेस्टीनियंस एंड 6 इजरायली पुलिस ऑफिसर हैव बीन हर्ट इन द क्लैश इन जेरूसलम, पैलेस्टीनियन मेडिक एंड इजरायली पुलिस का ही कहना है। 6 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए और 163 पैलेस्टीनियंस भी जख्मी हुए, कोई मरा नहीं है, ये अच्छी बात है, जख्मी ही हुए हैं। अब आपके फेवरेट पोर्टल, न्यूज वेबसाइट, इंस्टीट्यूशन, जो भी कह लीजिए, उसकी पहली लाइन क्या है? उसकी पहली लाइन ये है, आपको तसल्ली होनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली कुछ बोल रहा हूँ, अपनी कुछ भी एक तरफ अगर कुछ लीनिंग दिखा रहा हूँ, तो BBC का क्या कहना है? और किसी को ये भी लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कन्फर्म यहाँ से आप कर सकते हैं। मोस्ट वर इंजर्ड एट द अल अस्का मॉस्क वेयर इजरायली पुलिस फायर्ड रबर बुलेट्स एंड स्टन ग्रेनेड्स एज पैलेस्टीनियंस थ्रू स्टोन्स एंड बॉटल्स, स्टोन्स एंड बॉटल, पत्थरबाजी और बॉटल फेंका गया। आपको ये पैटर्न, और ये कब हुआ? फ्राइडे की नमाज के बाद, इवनिंग प्रेयर के बाद, मॉस्क के बाहर। तो फोर्स को बाहर भी अटैक करना पड़ा, फोर्स अंदर भी घुसी। और आपको जो मैं वीडियो दिखाऊंगा गार्डियन की, वो मॉस्क के अंदर की भी वीडियो है और बाहर की भी वीडियो है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पत्थरबाजी और बॉटल फेंकना हो रहा है, और पुलिस का भी अटैक दिख रहा है, लेकिन सबका दिख रहा है। तो इसे ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इजरायली पुलिस, इजरायली गवर्नमेंट यहूदी मुसलमानों पे प्रताड़ना कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को प्रताड़ित कर रहे हैं। और हाँ, जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था, आपको ये पैटर्न हर जगह देखने को मिलेगा। इंडिया में जब CAA का हुआ, जब दिल्ली दंगे हुए, जब भी ऐसा कभी माहौल होता है, तो जब मुसलमान यूनाइट होकर सब करना चाहता, कभी भी कोई अटैक प्लान करता, कभी कोई प्रोटेस्ट प्लान करता है, तो किसी न किसी दिन शाम के या किसी टाइम में मस्जिद के बाहर आके खड़े होके, या फिर मस्जिद के अंदर कुछ पत्थर या सामान रख के मस्जिद के बाहर अटैक प्लान करता है, पत्थरबाजी करता है, मस्जिद के बाद का ही समय यूज़ करता है। क्यों? इसका एक लॉजिक है इसके पीछे की, एक प्लानिंग है, क्योंकि मस्जिद के लाउड स्पीकर, जो कि कुछ समय पहले तक शैतान की आवाज़ थे, और अब क्योंकि काफिर शैतान है और उनको उनकी नाक में दम करना है, उनकी नींदें हराम करनी है, तो हम यूज़ करेंगे। पहले ये सब ईजाद नहीं हुआ था, आपने तो एक सुई भी नहीं बनाई, लेकिन क्योंकि इंटेंशन कुछ और है तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। तो उस लाउड स्पीकर से आप पहले शाम को या किसी भी ऐसे वक्त नमाज के टाइम सारे पंचर जोड़ने वाले से लेके हाई क्लास तक के मुसलमान को बुला लेते हैं, क्वांटिटी में लोग इकट्ठा हो गए, शायद ऐसे ना भी आते लेकिन वैसे आ गए, अब एक जगह आ चुके हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक बाउंडेशन है, एक मजहब को सर्व भी करना है, तो आप अटैक में साथ देते हैं, कुछ नहीं तो क्राउड बन के खड़े हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो अगर आप ठग ढंग के भी इंसान हैं तो आपके ऊपर अटैक होगा, आपको खदेड़ा जाएगा पीछे, तो आप रिएक्ट करेंगे। तो एक क्राउड इकट्ठा हो गया, आपने सब कर दिया, ये पूरी एक ये पैटर्न नज़र आता है जो आपको पूरी दुनिया में नज़र आएगा, स्पेसिफिकली भारत में नज़र आएगा, और आपने इसराइल का तो सुन लिया। तो ये हुआ, ठीक है। अब सीक्वेंस में पढ़ना चाहता हूँ। टेंशन हैव बीन राइजिंग ओवर द पोटेंशियल इविक्शन ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम लैंड क्लेम्ड बाय ज्यूज सेटलर्स।
अब जो लैंड, जो ज़मीन है, जो यहूदी कहते हैं कि हमारी है, जहाँ पे हम सेटल हुए हमारी है, और वहाँ से पैलेस्टीनियंस का इवेक्शन हो रहा है, खाली कराया जा रहा है, उस पर ये बात टेंशन पैदा हो गई। अब उसके लिए प्रोटेस्ट रख दिया गया, जाहिर सी बात, जैसे यहाँ पे सी ए ना सीधा कि हम तुमको निकाल, जबकि इसराइल सारे इस्लामिक देशों के बीच में फंसा हुआ है और सबके नाक में दम करके रखा हुआ है, सबसे बड़ी पावर बन के रखा हुआ है, कोई सा कुछ उखाड़ नहीं रहा, ना ही उखाड़ सकता है। अब अल अस्का मॉस की हिस्ट्री क्या है, ये मैं आपको पूरा बीबीसी का आर्टिकल ही पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है, द अल अस्का मॉस कॉम्प्लेक्स इन जेरूसलम ओल्ड सिटी इज वन ऑफ इस्लाम्स मोस्ट रिवर्ड लोकेशन। इस्लाम के अंदर भी बहुत पवित्र जगह मानी जाती है मक्का मदीना के बाद, लेकिन ये लोकेशन, बट इट्स लोकेशन इज ऑल्सो होलीएस्ट साइट इन जुडाइज्म नोन एज द टेम्पल माउंट। अब उनकी क्या गलती है, उनके लिए भी ये बहुत खास जगह है। द साइट इज फ्रीक्वेंट फ्लैश पॉइंट फॉर वॉयलेंस विच अनफोल्डेड अगेन ऑन फ्राइडे नाइट आफ्टर थाउजेंड्स हैड गैदर्ड देयर टू ऑब्जर्व द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मुस्लिम होली मंथ ऑफ रमदान। सही लिखा है, फ्राइडे था, होली मंथ था, गैदरिंग हुई थी थाउजेंड्स की, मुस्लिम्स, होली मंथ ऑफ रमदान, ठीक है, साफ साफ ये रिलीजियस मुद्दा है। तो मुझे कोई ना बोले कि मैं रिलीजियस मुद्दा बना रहा हूँ, नफरत पैदा कर रहा हूँ, मुसलमान को डिमीन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वही लिखा है जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक हद। अब इसराइल पुलिस का भी स्टैंड लिखा हुआ है भाई। इसराइली पुलिस सेड दे हैड यूज्ड फोर्स टू रिस्टोर ऑर्डर ड्यू टू द राइटिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्शिपर्स आफ्टर इवनिंग प्रेयर। आप इवनिंग प्रेयर करने आए हो, अगर जो मैंने पहले प्लानिंग बताई, अगर वो आपकी प्लानिंग नहीं थी, गैदर करके ये सब प्लान नहीं था, तो प्रेयर के बाद कौन करता है भाई? प्रेयर के बाद आपके अंदर प्योरिटी आ जानी चाहिए, आपके अंदर ह्यूमैनिटी ग्रो करनी चाहिए, आपके अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए। दंगा कौन करता है, पत्थरबाजी और बोतल कौन फेंकता है प्रेयर के बाद? अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ की फोर्सेस ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंटरफेयर तो करेंगे। एक चीज़ और, अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो उसका भी समाधान इसी बीबीसी ने दे दिया। ऐसा लग रहा बीबीसी ही धो धो के मार रहा है। किसी को डाउट भी हो कि इसराइल में क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, सब तो गलत, बीबीसी तो आपका फेवरेट है। बीबीसी का क्या कहना है? बीबीसी का ये कहना है, और ये चीज़ को कन्फर्म करती है कि वो राइट कर रहे थे, कन्फर्म करती है कि वो अशांत थे, अशांति फैला रहे थे, और वो मजबूर कर रहे थे फोर्सेस को, ताकि फोर्सेस कंट्रोल करें, इंटरवीन करें। क्या कहा? एन अक्सा ऑफिशियल कॉल्ड, अक्सा जो जगह है, अक्सा ऑफिशियल कॉल्ड फॉर काम, शांति बनाए रखने के लिए, ओवर द मॉस्क लाउड स्पीकर। वहाँ भी मॉस्क के ऊपर लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर पे कहा कि शांति बनाए रखें। आगे और भी कुछ कहा है, पुलिस मस्ट इमिडिएटली स्टॉप फायरिंग स्टन ग्रेनेड्स एट वर्शिपर्स एंड यूथ मस्ट काम डाउन एंड बी क्वाइट। बी क्वाइट क्यों कहा, काम डाउन क्यों कहा? अगर यूथ पहले से शांत था, यूथ प्रताड़ित हो रहा था, यूथ पुलिस की मार खा रहा था, तो बी काम एंड क्वाइट क्यों कहा? मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वो रीज़न है, यहाँ पे आप सुन रहे हैं अल्लाह अकबर के नारे, पत्थरबाजी, बॉटल फेंकना, तो ज़रूरी है कि आपको भी रोका जाए। अब बात पहुँचेगी यूएन के पास, हर बात पहुँचती है और यही लोग लेके जाते हैं विक्टिम्स, सो कॉल्ड विक्टिम्स। तो क्या हुआ, यूएन हैज़ सेड इसराइल शुड कॉल ऑफ एनी इविक्शन एंड एम्प्लॉय, कॉल ऑफ एनी इविक्शन एंड एम्प्लॉय मैक्सिमम रिस्ट्रेंट इन द यूज़ ऑफ फोर्सेस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर के खिलाफ किसी भी तरह का जो आप फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा आप संयम बरतिए ज़्यादातर, लेकिन इस चीज़ को बंद कराइए, जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उसको आप कोशिश करिए ज़्यादा ज़्यादा बंद हो। अब इसका एक कोर रीज़न और समझिए। एल्सवेयर इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक टू पैलेस्टीनियंस वर शॉट डेड आफ्टर फायरिंग एट एन इजरायली मिलिट्री बेस ऑन फ्राइडे। अर्लियर इन दिस इन द वीक अ पैलेस्टीनियन गनमैन किल्ड एन इसराइली रिलीजियस स्टूडेंट। पैलेस्टीनियन ने इसराइली रिलीजियस स्टूडेंट को गोली मारी। एंड अ पैलेस्टीनियन टीनेजर वॉज किल्ड इन क्लैश विद इसराइली फोर्सेज सर्चिंग फॉर हिम। जब उसको ढूंढा गया तो वो भी मारा गया। तो मतलब यह है कि ताली एक हाथ से यहाँ नहीं बच रही है। आप एक पर्टिकुलर पक्ष को, चाहे इसराइली हो, यहूदी हो, पैलेस्टीनियन हो, मुसलमान हो, जो भी,
एक पक्ष को आप टारगेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक कॉन्फर्मेशन बायस है कि हमें इसी का पक्ष लेना है या उसी का पक्ष लेना है। दोनों चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको वीडियो दिखाई, आपके फेवरेट बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ पढ़ के सुनाई। अब मैं आपको ट्विटर पे भी दिखा देता हूँ क्या तांडव चल रहा है, किस तरीके से नेतन्याहू के ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं, किस तरीके से इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हर उस चीज़ के लिए शैतान बनाना, पता नहीं क्या क्या बनाना, जो कोई गाली बाकी ना रह गई हो। लेकिन किसी का भी अकाउंट बैन हो इसकी कोई न्यूज़ नहीं आएगी कि इसराइल के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट पास करने के लिए, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ और टर्म्स यूज़ करने के लिए हम इतने सारे अकाउंट्स बैन कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पे एकदम पूरा गंदगी का माहौल बना हुआ है।